भाई का भी काजी टुकड़ा। देख सूर्य मरियम चलू तो देख जल्दी हुआ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का हेफ और काशिफ के न्यू ब्लॉग चैनल में। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर बार क्यों चालू कर रहा हूँ ये ब्लॉग, क्योंकि इन लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या और क्या करूँ, मेरे को नहीं कुछ भी समझ में आ रहा। और मैं जितना हो सके सोच रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें दिखाओ कि काशी भाई कितना टेंशन में चल रहे हैं। अभी तक कुछ अपडेट मिल ही नहीं रहा है क्योंकि डॉक्टर आ जाएगा तो वही उस हिसाब से देखते हैं। और अभी तक मम्मी लोग भी आए नहीं है, मम्मी लोग भी आने वाले हैं। बस मैं सोच रहा हूँ कि हाइपर की आवाज़ आई अभी वेट ही कर रहे काशी भाई भी कि कुछ दिख जाए या कुछ हो जाए या कुछ अपडेट मिले या कुछ कुछ तो आए। देख रहे कुछ देखो तो यहाँ पे लोग टाइल्स में देख के सोच रहे कि कुछ दिख जाएगा, लेकिन यार ये चीज़ देख के मतलब नहीं है भाई। जो मेन है वो तो बेबी ही है। हाँ, वेट ही करो और कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, आज दिवाली का भी दिन है तो सब डॉक्टर लोग आज वैसे तो रेडी थे और यहाँ पे अभी जो मेन डॉक्टर है वो अभी गए हैं। काशी भाई क्या हुआ बेबा? हाँ क्या हुआ? सुधा मैडम आ गया, टेंशन नहीं है। क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे? तो गाइस, काशिफ भाई भी किसी कंसेंट पे साइन कर रहे हैं जो कि है वैक्यूम जो यूज़ करेंगे अभी डिलीवरी के लिए, उसके लिए तभी वो कंसेंट पे साइन करने जा रहे हैं। तुम अंदर गए थे, क्या हुआ? नहीं देखा ही डॉक्टर। बस थोड़ा वो हिम्मत करेगी तो बच्चा इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। थक गई है वो तो गाइस ये साइन कर रहे काशिफ भाई वो कंसेंट पे। हो गया, चलो वेट करते हैं अब। तो गाइस अभी काशिफ भाई की बहन अंदर गए हैं और डॉक्टर ने बुलाया कि किसी बड़ी लड़की को मतलब जो उनको आएगा वो चिल्ला सके, कुछ बोल सके वे कि पूछ कर, तो उसके लिए अभी काशिफ भाई की बहन गए हैं। काशी भाई एक आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे बस कि डॉक्टर बोले कुछ। हाँ बेबा आ जाओ। क्या हुआ, कुछ मिला? अब नहीं जा सकते अंदर। तो गाइस सब घर वाले लोग आ गए हैं, हम लोग ने सबको जल्दी जल्दी अंदर भेज दिया, मम्मी को, मुमानी लोग को, सबको अंदर भेज दिया नाज मम्मी को, क्योंकि भाई पर जिस हिसाब से चिल्ला रही ना मम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए वो चीज़ मम्मी सी बहुत ज़्यादा दिमाग पे ना ले ले, इस वजह से मैंने मम्मी को पहली फुर्सत में और मम्मी के साथ देने के लिए मुमानी और नाज मम्मी को भी अंदर भेज दिया। यहाँ पर बिलाल और दिशान और जाहिद खड़े हुए हैं। अच्छा किया अमन ने कि अमन ने भाभी को नहीं लेकर आया, क्योंकि अगर ये दर्द देख लेते भाभी को अपने उस चीज़ पे खौफ आ जाता था। अमन सुबह में आएगा। हाँ रात दिवाली में। हाँ तो अभी बाहर काशिफ भाई के डैडी और भाईजान भी खड़े हुए हैं, सब घर वाले आ गए हैं, बस बेबी आने का वेट है। अभी सना अंदर गए थे। हो गया देखो।
अरे चना पर हो मोहित जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहला बोल लड़का हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ अभी नहीं बताओ अभी नहीं बताओ, आप देखना आपको क्या लग रहा है वो देखेंगे आपको क्या हुआ वो अभी नहीं रुक जाओ अभी काशी भाई के हाथ में नहीं आया, रुको ना अभी रुक जाओ। तो गाइस अभी उदापी का कॉल आया, हो गया बच्ची उदापी डिलीवरी हो गई। हाँ क्योंकि तेरे को बताने के लिए कि हो गई है अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ क्या हुआ वो तू ब्लॉग में देखना। क्या हुआ चल तेरे को बताता हूँ। तो गाइस अभी काशी शुक्रान काशी बस मम्मी आप लोग काशी भाई जैसी ना नहीं नहीं एकदम सेम डिट्टो काशी भाई जैसी ना के बोले मेरे को बुला लिए तुम लोग ने जल्दी और रुकने का था मेरे को आपने आप रुक जाइए अभी छुट्टी को दिखा रहे थे तुम लोग गलत कर रहे हो। अभी तो काशी भाई ने गोद में ही नहीं लिए लेंगे भाई गोद में नहीं लिए ना लेंगे लेंगे वो अभी सिस्टर लोग वो सब कपड़ा वपड़ा पहना के देंगे नहीं तो अभी छुट्टी का वेट करते पहले ठीक रहे आराम से ले आईफा का कुछ बोले उसका भी थोड़ा आराम करवा दे उसके पास ही भाई यहाँ सब वेट कर रहे हैं अंकल भी वेट ही कर रहे हैं कि भाई बेबी आए और उसको हाथ में ले हुए तो ये जानवर रख दे वो काशी भाई के हाथ से लिया अभी तक हाथ में रखा तक
कोई छोटे बच्चे को गोद में ही नहीं, तो लेना ना अभी यार, डर लगता है बहुत, डर लगता है। देखो सबसे पहले अपने खुद के बच्चे को ही करने का क्या, वो भी मेरे को पता नहीं उस टाइम पे क्या होगा। देखते अभी इसका आ जावे बस, हाइपा हाइपा को भी देख लेना तो जान में जान आ जाएगी, किसी तो बहुत प्रॉब्लम है कि सही है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है, बस एक बार देख लो क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने उसको तड़पता हुआ देखे, मैं क्या आवाज आ रही थी चिल्लाने की, मैं यहाँ पड़ा था वहाँ से बोला अचानक क्या होता है। और काशी भाई हाइपा का वेट कर रहे अभी। हाँ भाई भाई ठीक है, देखने का रहेगी तो बच्चे को घूमने नहीं, बस वेट करते हैं वो पल का कि जब काशी भाई हाथ में ले गए और आईफा सामने ले गए। आईफा देखी कि नहीं देखी, अल्लाह से जो मांगे थे अल्लाह दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जगह जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी बस इसका बस कैसे कि बस आईफा आ गए जल्दी बात, तो सबको सुकून दिल में राहत मिल जाएगी, सब अंदर बैठे हुए टेंशन में कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लोग सबको भी बेबी को हाथ में पकड़ने गए, सबको हाथ में पकड़ने गए, बेबी सबको देखने गए, सबको छूने गए, देखते हैं अभी। तो गाइस काशी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है भाई, जिसने जिसने दुआ किया उन सबका भी जजाक अल्लाह, सारी फैमिली आई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सब अच्छे से हो गया बिना कोई तकलीफ के बिना कोई हादसे के, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख एहसान है। अल्लाह सब माओ को जो भी बॉर्न करने वाले उन सबको सब्र दे और उनको ताकत दे कि वो सुकून से एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर सके। बस ये चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बेबी के फेस देखने के बाद तो सब चीज़ हट गई है दिमाग से, कुछ भी नहीं, आप बस सीख रहे कि सब अच्छे से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी हाथ में भी पकड़े हैं काशी भाई, तो गाइस वो चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, अभी हाइपा जैसी निकलेगी उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बस बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है अभी हम लोग का, क्योंकि बस बेबी को देखने का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।